खेल संग्राम में आप सभी का स्वागत है। दिलीप ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला इंडिया रेड और इंडिया ब्लू के बीच खेला जा रहा है, जहां इंडिया रेड ने दमदार शुरुआत करते हुए पहले दिन 5 विकेट पर 317 रन बनाए। तो आइए जानते हैं लखनऊ के कान्हा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे इस फाइनल मुकाबले के पहले दिन का पूरा हाल। इंडिया रेड के कप्तान दिनेश कार्तिक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरे इंडिया रेड के बल्लेबाज पृथ्वी शाह और अखिल ने पहले विकेट के लिए 74 रन जोड़े। अखिल हिरवाद कर 25 के स्कोर पर रन आउट हुए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव सिर्फ 8 रन बना। भार्गव भट्ट की गेंद पर सुरेश रैना को कैच देकर पवेलियन लौटे, लेकिन इसके बाद पृथ्वी शाह और दिनेश कार्तिक ने तीसरे विकेट के लिए 211 रन जोड़े। दोनों ही बल्लेबाजों ने लगभग 50 ओवरों तक इंडिया ब्लू के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। कप्तान दिनेश कार्तिक ने 12 चौकों के साथ 111 रनों की शतकीय पारी खेली। दिनेश कार्तिक को 111 के स्कोर पर अक्षय वखारे ने LBW कर इंडिया रेड को तीसरा झटका दिया। 18 चौके और एक छक्के लगा 154 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पृथ्वी शाह भार्गव भट्ट की गेंद पर श्रीकर भारत को कैच दे बैठे। इसके बाद पिछले मैच में दोहरा शतक जमाने वाले बाबा इंद्रजीत सिर्फ 4 रन बना भार्गव भट्ट का शिकार बने। वही ईशांक जग्गी 9 रन बना क्रीज पर मौजूद है। इस तरह पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया रेड ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 317 रन बना लिए हैं। इंडिया ब्लू के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे भार्गव भट्ट, जिन्होंने अब तक 3 विकेट चटकाए हैं, तो वही अक्षय वखारे ने भी 1 विकेट हासिल किया। पहले दिन के तीनों सत्र में इंडिया रेड के बल्लेबाजों का शानदार खेल देखने को मिला, लेकिन आखिरी 3 विकेट 17 रन के भीतर झटक इंडिया ब्लू के गेंदबाजों ने मैच में शानदार वापसी की है। दूसरे दिन का खेल अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। ऐसे में देखना होगा कि लय में नजर आ रहे इंडिया ब्लू के गेंदबाजों के सामने क्या इंडिया रेड अपनी पहली पारी में एक बड़ा स्कोर कर पाएगी या नहीं।